Excuse me, brother. This was the line जो मतलब you know it like blew everyone away and this was of Akash Gupta जो last time ने किया था one of the best stand up reactions that we have done. Many of them actually. एक इसमें अक्षता ने almost उल्टी कर दी थी दिल्ली मेट्रो. And going by this title. Oh yeah. Pan. It's quite likely कि ये video में भी होने वाला है. In short मजा आने वाला है आपको और मुझे. I just hope there is no like descriptive narration of you know paan khake thookne ka and all and, that. And I just hope that there is a lot of you know like descriptive narration of paan khake thookne ka. It will be fun. As usual, description में link है original video की. We request you कि आप original video जाके देखे on Akash Gupta's channel and then come and watch the reaction. All right? Let's start. जैसे मैं ना दिल्ली से हूँ और मैं यहीं पला बढ़ा हूँ. मेरे स्कूल कॉलेज दोस्त सब यहीं के हैं. तो ना मैं कुछ साल मुंबई रहने चला गया था और जितने टाइम मैं मुंबई में था ना मैं दिल्ली की जो एक चीज़ मिस करता था ना वो है यहाँ का खाना. ठीक है, वो बहुत डिबेट होती है ना कि वो नहीं मुंबई में भी मिल जाता है. इतना ढूंढना पड़ता है यार. यहाँ जाओ नाले के ऊपर क्या छोले कुलचे मिल रहे हैं बढ़िया स्वादिष्ट. थिंग इज कि नहीं मुंबई में भी हम लोग मुंबई से मुंबई में खाना मिलता है बट गॉड डैम वी वेंट टू दिल्ली फुकरा इंसान के साथ शूट करने के लिए एंड दैट टाइम वी हम लोग ने वहाँ पे जामा मस्जिद के यहाँ पे खाया. ओ माय गॉड लाइक माय माइंड यहाँ पे नहीं उतना अच्छा खाया है. जो शीक मैंने वहाँ पे खाया ना वो मुंबई में कहीं एंड वी डोंट इवन लाइक शीक. नहीं शीक मेरे को नहीं पसंद क्योंकि इट्स वेरी ड्राई आइटम मेरे हिसाब से एटलीस्ट इन मुंबई. ओके दिल्ली में तो एक नंबर था. सो गुड इट वाज सो गुड. तो मैं जब भी वापस आता ना दिल्ली किसी काम से मेरे दोस्त बहुत एक्साइटेड होते थे कि आकाश आ रहा है आकाश प्लान बना लो प्लान फुल खाने का प्लान. यार वो आइटनरी बना लेते थे पूरी. सुबह सुबह चांदनी चौक नटराज के दही बल्ले, दोपहर को परांठे वाली गली, रात को करीम्स का चिकन, उसके बाद उल्टी. क्योंकि दिल्ली के लौंडे खाते नहीं है ठूसते हैं. यहाँ आया तो ठूस लेंगे उसके बाद उल्टी करके भी एक बंदा बोलेगा भाई शाही टुकड़ा खा लें थोड़ा मुंह का फ्लेवर ठीक हो जाएगा. भूख है ऐसे खाते जैसे कल मौत हो जाएगी हमारी भाई. ओवर ईटिंग हो गई है अब तो मत खा. देखो मोमो चटनी में डिप करने होते हम चटनियां उठा रहे हैं. दिल्ली के लौंडे लिक्विड उठा रहे हैं भाई. फुल बुक है. तो मेरे दोस्त कहते हैं चल चल तेरे को ना हम पान खिलाते हैं. मैं कहा मुझे नहीं खाना. कह रहा नॉर्मल पान नहीं है. हाँ मैं घर से याद करके आया हूँ ना. मुझे सुनाने दो. क्विज नहीं चल रही है जो गैस कर रहे हैं. फायर पान इससे पहले गैस कर दिया. अब क्या करेगा फायर पान. मैंने गैस किया है. कहाँ है मेरा बॉर्नविटा क्विज हैम्पर. फायर पान. कुन्नास फुल कुन्नास. आइस पान की बात कर रहा था नहीं? Nice. तो वो मुझे ले गए एक शॉप पे. मुझे नहीं पता था ये सब यार. वहां पे एक शॉप पे से वैरायटी ऑफ पान मिल रहे हैं बटर स्कॉच चॉकलेट स्ट्रॉबेरी. फिर उनको लगा लाइफ में एडवेंचर थोड़ा कम हो रहा है तो उन्होंने आइस पान बनाया. ठीक है उसमें क्या करते हैं एक पान का पत्ता लेते हैं उसमें 150 किलो बर्फ डालते हैं और आपके मुंह में दे देते हैं. ये पान खिलाया या ऑफर ही नहीं किया जाता दे ही दिया जाता है. देखो नॉर्मल पान खाने का क्या प्रोसेस होता है. आपने लाइफ में कभी भी पान खाया हो आप पनवाड़ी को जाके बताते हो कि आपको कैसा पान खाना है ना. आप वहाँ खड़े होकर बनवाते हो कि बनाइए भैया मीठा डालिए और डालिए और हाँ मैं मरना चाहता हूँ तो डालना जैसे कर रहे हैं यहाँ पे. यू नो व्हाट यू नो व्हाट आई एम नॉट अ फैन ऑफ पान. अक्षता भी नहीं हम लोग ने लाइक आई कैन स्मेल से ही कुछ तो ऐसे I have legit eaten paan, like not even eaten. I have tried paan. I had paan challenged him. Three times in my entire life. Yeah. Three times. एक जब एकदम छोटा था तभी खाया था थूक दिया था. Second time मैंने मीठा पान खाया था which I actually ate because it was like I think वो बच्चों के लिए जो पान देते ना टूटी फ्रूटी सब डाल के वो मैंने खाया था. Third time I had actual paan and that is not me. The third time was wedding, at my cousin's wedding. Yeah. Challenge किया था मैंने पान खा के देखा. आप अपने हिसाब से पान बनाते हैं. यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ अगर आपको आइस पान खाना है ना आपको कुछ नहीं करना है. आपको उस पनवाड़ी के 5 मीटर के रेडियस में आ जाना है.
और तुम्हारे मुंह से भी निकलेगा ना आइस पान, एक उड़ता हुआ हाथ आएगा और तुम्हारे मुंह में। मुझे लगता है इसका नाम आइस पान नहीं, इसका नाम सरप्राइज पान होना चाहिए। सरप्राइज, क्योंकि मैं जब भी इन दुकानों पे हूं ना, तीन चार लौंडे इसी एक्सप्रेशन के साथ घूम रहे होते हैं, ये ऑन है, ऑन है यार, भाई जोड़े ठंडा गए यार, कौन सुन हो गया भाई, ये कैसा ऑन है। वो पनवाड़ी बहुत चलाक होते हैं, पता है, वो दुकान के अंदर बैठ के पान नहीं बना रहे होते, दुकान के बाहर हाथ में पत्ता लेके घूम रहे होते, स्कैन ले रहे होते हैं ऐसे, आइस पान अरे लोग वहां से नॉर्मली निकल रहे हैं। हाँ यार, वो तो परसों की बात, यार सिगरेट लेने आया था, अब गीली सिगरेट कहे यू हाले आंडू। माय गॉड, आपको भी आइस पान खाना ना, और आपको नहीं पता कहाँ मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कनॉट प्लेस जाना है और वहां दुकानों के बाहर जा जाके पूछना, भैया आइस पान यहाँ है, इतनी देर से ढूंढ रहे थे, आ जाओ भैया, भैया टीन लगा दो यही वाले, हाँ बढ़िया भैया, भैया डांटे झंझनाट हो रही है, एक पट्टे पे सैमसंग लगा के दे दो, टॉन्सिल बाहर आ गए, मजे ही आ गया। फिर उनको लगा लाइफ में अभी भी एडवेंचर कम हो रहा है, तो उन्होंने फायर पान बनाया। थैंक यू फॉर योर सजेशन। फायर पान में पता क्या करते हैं, पान में आग लगाते हैं, जलता हुआ ज्वाला छोड़ता हुआ पान आपके मुंह में डाल देते हैं। मैं कहा भाई साहब एक बात बताइए, आप पनवाड़ी हैं कि रोडीज के टास्क हो रहे हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं सिलेक्ट करना है। तू खा लो एसिडिटी खत्म हो जाएगी। मैं कहा जवान तड़िया ही नहीं बचेंगी तो एसिडिटी कहाँ बनेगी, आ जला मेरा इसोफेगस, आ ये धुआं था। पता है आप ये पान खाओ, अगर अब किसी ने ट्राई किया तो आपको पता होगा कि आपको समझ ही नहीं आते किसका क्या फ्लेवर है। जैसे नॉर्मल पान खाते हैं, एक टेस्ट आता है, एक फ्लेवर आता है, इसमें समझ नहीं आता कि खाएं चूसें चबाएं है, फिर भी ये पान बहुत वायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना ये सारे यंग यंग कपल पहुंचे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते रहते हैं, ये ना 17-18 साल वाली आशिकी घर से तैयार होकर जाते हैं, आज निब्बी इन द हाउस, आज एक आइस पान और तीन इंस्टाग्राम स्टोरीज। वहां पे बंदा ना उसका ऐसे रेडी होता है स्टांस लेके, उसकी बंदी फोन लेके, भैया डालिए विशाल के मुंह में, बूमरैंग बनाएंगे आज, वहां बूमरैंग बन रहे हैं। वीडियो सही नहीं है दोबारा डालिए, क्या कर रहे यार। पर एक बहुत अच्छी चीज है इस पान के बारे में, जैसे नॉर्मल पान खाओ ना आप, आपके हाथ हाथ पे चिप चिप लग जाता है या कभी हवा लग जाता है, ये बहुत हाइजीनिक पान है, इसमें आपके हाथ यूज ही नहीं होते हैं। इट्स अ हैंड्स फ्री पान, हैंड्स फ्री पान। पनवाड़ी अपने हाथों से आपको खिलाते हैं और टिश्यू विश्यू के साथ खिलाते हैं बकायदा, और लास्ट मोमेंट पे अपनी उंगली आपके मुंह में डाल देते हैं। That is, yeah. मैं कहा भाई साहब ये टिश्यू का प्रिटेंस क्या कर रहे हैं आप, ये मेरी थुड्डी साफ करके क्या मिलेगा आपको, उंगली बाहर निकालिए। और पनवाड़ी की उंगलियां ना पान बना बना के इतनी लाल हो गई होती, मुझे लगता है अपनी बीवी की मांग ऐसे भर देता होगा, कहाँ जा रही हो, मार्केट श्रृंगार करके जाओ। लेकिन मैनीकेयर कराने जाता होगा, उनकी क्या फट लेती होगी ना, ये करना है। एक काम करो, आसपास के जितने सलून है ना सबको बुला लो, केस स्टडी आई है। मैंने अपने 15 साल के मैनीक्योरिंग करियर में ऐसी उंगली नहीं देखी, सर इसको काटना पड़ेगा। शड़ाप, सैनिटाइज कर दो इसको, सैनिटाइज। सर सैनिटाइज उन लोगों के मुंह होंगे जिसमें उंगली गई है, आपकी उंगली गंदी नहीं है, इसमें आत्मा घुस चुकी है सर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लगा तो भी करें। ओ माय गॉड, मेरे आंख से पानी आ गया। सो फनी यार, हिज
ऑब्जर्वेशन इज सो गुड यार. मतलब जो एक्सप्रेशन भी दे रहा था ना, इट वॉज लाइक इट वॉज ओवर द टॉप, बट इट्स ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट फॉर द फॉर योर फॉर योर गिग. Yeah, but you have to do that. Lekin wo, it actually happens like that. You know, like you're boomerang karne ka, and it is like so odd point kiya gaya hai usse, crazy. Yeah. And I have obviously maine kabhi paan ye sab try kiya nahi hai, kyunki number one to mereko wohi ekdam mereko aisa disgusting lagta hai. You know, the finger going in your mouth, somebody else's finger going in your mouth. I know. Mujhe to normal paan bhi ekdam. Yeah, I. Yuck lagta. No, I think मेरा क्या प्रॉब्लम है ना, बिकॉज आई लाइक नॉन वेज, सो मेरे को ना वो पत्ता और मेरे को पसंद नहीं है. यू नो, मेरे को खाने में भी वो कड़ी पत्ता आता, लाइक अ प्रॉपर लीफ, आई डोंट लाइक दैट. आई जस्ट डोंट लाइक पान फॉर द स्मेल ऑफ इट. लेकिन मेरे को वो मीठा पान मेरे को पसंद नहीं आता, एक टाइम ही खाया जिंदगी में. बट देन आई थिंक मेरा मेन पान ना खाने का रीजन इज यू नो दैट ओनली, कि वो चूना भी ऐसा हाथ बात से लेके सब लगा देते वो मेरे को नहीं कभी पसंद है, लाइक इट वॉजेंट वेरी इन्वाइटिंग फॉर मी. एनी वेज, आकाश गुप्ता वॉज फनी एज ऑलवेज. इसके जितने भी हम लोग ने स्टैंड अप किए, दे आर लाइक सो फनी. ये इसमें आई थिंक इट वॉज वेरी ग्रोस, ज्यादा नहीं था इज वॉट, क्योंकि थैंकफुली आई वुड लव दैट. मेरे को मेट्रो में मजा आया था जब वो उल्टे का सीन था, तभी अक्षता ने ऑलमोस्ट उल्टी कर दी थी. ऑलमोस्ट. अगर आपने वो रिएक्शन देखा नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो यू कैन वॉच दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे. वी होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो. इफ यू डिड, बी श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.